शिंदे भाजपा गठबंधन की प्रत्याशी नीलिमा महात्रे चुनी गई सरपंच। मुंबई से सटे कल्याण तालुका के महारल ग्राम पंचायत में सरपंच पद का चुनाव निर्विरोध संपन्न हुआ। सिंधे गुट और बीजेपी गठबंधन की प्रत्याशी नीलिमा नंदू महात्रे सरपंच पद के लिए निर्विरोध चुनी गई है। दरअसल महरल गांव के ग्रामीणों ने एकमत होकर सरपंच पद का चुनाव निर्विरोध कराने का निर्णय लिया था। यही कारण है कि महरल गांव की निवासी नीलिमा महात्रे ग्राम पंचायत की नई सरपंच बन गई है। अपनी जीत के बाद नीलिमा महात्रे ने महरल गांव के सर्वांगीण विकास का आश्वासन दिया और उन्होंने कहा कि गांव में बाढ़ की समस्या, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और हिंदू शमशान भूमि आदि महत्वपूर्ण विषय है जिसमें पहली प्राथमिकता देना जरूरी है। महात्रे ने कहा कि गंदे पानी की निकासी नहीं होने के कारण हर साल बरसात में गाँव में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो जाते हैं, जिससे निपटने के लिए नालियों की मरम्मत कराई जाएगी। वहीं महरल में शमशान की भूमि के लिए कोई जगह उपलब्ध नहीं है, इसके लिए वन विभाग को प्रस्ताव पेश कर आरक्षित जमीन की मांग की जाएगी। यदि प्रस्ताव मंजूर होता है तो गाँव वासियों को शमशान भूमि की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। ऐसी बात नवनिर्वाचित सरपंच नीलिमा महात्रे ने कही। नीलिमा नंदू महात्रे, क्या कहना चाहोगे कल आपने बिनविरोध चुन के इस बार क्या कहना चाहोगे? काल जी सरपंचांची निवडणूक झाली बिनविरोध झालेली आहे, त्यामध्ये माझ्या सर्व सदस्यांचा त्याच्यामध्ये मोलाचा वाटा आहे। त्यांच्या प्रयत्नांना म्हणजे सगळ्यांनी एकत्रित प्रयत्न केल्यामुळे आम्हाला हे जे सरपंच पद आहे ते लाभलेले आहे। नाही, बिनविरोधच होती, त्याच्यामुळे तसा काही प्रश्न नव्हता। डेस्क रिपोर्ट TV24।